अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजलो करम से ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग है, घर का ही ब्लॉग है। तो आज मैं बना रही हूँ किचन में कीमा करेले, आलू कीमा करेले। तो मैं अपनी रेसिपी आप लोगों को बताऊंगी कि मैं कीमा करेले कैसे बनाती हूँ, और आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके ज़रूर कि आप लोग अपने घर में किस तरीके से कीमा करेले बनाते हैं। तो मेरी रेसिपी मैं आप लोगों को अभी ब्लॉग में बताऊंगी कि मैं किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताऊँगी। सबसे पहले हमने प्याज ले लेना है, छील के इसको कट कर लेना है हम प्याज़ों को। उसके बाद करेलों को हम छील लेंगे सारे जितने भी हैं, फिर हम इसको कट करेंगे। और वैसे भी करेले तो बहुत मज़े के बनते हैं घर में, कीमा करेले स्पेशली, क्योंकि मम्मा दूसरे करेले भी बनाती हैं लेकिन वो बाबा को पसंद नहीं है इतने। बाबा कहते हैं कीमा जब भी बनाओ करेले तो कीमा करेले बनाओ, तो बाबा को तो बहुत पसंद है और मुझे भी साथ में। और वैसे भी हमारे घर में भरे हुए कीमा करेले भी बनते हैं। आज तो हम दूसरे करेले कीमा बना रहे हैं कट कर कर। इसको अब हम छील लेंगे, छील लिया है मैंने ऑलमोस्ट, दो तीन रह गए। और आप लोगों को एक और बात बता दूँ, और वैसे भी मेरे चैनल पर जो जो नए नए सब्सक्राइबर आए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का और लाइक करने का, कमेंट करने का। तो अब मैंने कट कर लिए हैं, देख सकते हैं आप लोग। एक तरफ हम करेलों को फ्राई करेंगे, दूसरी तरफ हम कीमे को भूनेंगे। करेलों को फ्राई करके कीमे में दम कर देंगे हमारे, फिर रेडी हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं कीमे को भूनने लगी हूँ। मैंने पहले से प्याज डाल दिए थे इसके अंदर, प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट जो मसाले डालते हैं वही। अब मैं इसको भूनूंगी अच्छी तरीके से, और इसके अंदर मैं आलू भी ऐड करूंगी क्योंकि हमारे घर में आलू बहुत शौक से खाए जाते हैं, मतलब कोई सब खाते हैं। कीमे को भून रही हूँ आप देख सकते हैं, और अब मैं करेले फ्राई करूँगी। फ्राई ऑलमोस्ट हो गए हमारे, इसके अंदर मैंने मिर्चें भी ऐड कर दी हैं, और क्योंकि मिर्चें तो हम लोग खाते हैं। अब हमारे फ्राई हो गए हैं, ब्राउन हो गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर हमने आलू भी ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसके अंदर दम कर दूंगी करेले जितने मैंने फ्राई किए हैं वो सारे। जी हाँ दोस्तों, अब हमारा कीमा करेला रेडी हो गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं आप लोगों को खा के, और देख सकते हैं आप लोग, बड़ी सिंपल सी रेसिपी है ये कीमा करेले की। मैं आप लोगों को खा के बताऊँगी कैसा बना है कैसा नहीं बना, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे घर में ऐसे ही शौक से खाते हैं। वाह सुभान अल्लाह, बहुत ही मज़े के कीमा करेले बने हैं। और ये मेरी बहन पानी में रख के चली गई थी, बहुत मज़े के बने हैं। आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर मेरी आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगे तो। और वैसे भी दोस्तों, कल का कुछ ब्लॉग कुछ खास नहीं था, सिर्फ मैंने अपने घर की सैर कराई थी आप लोगों को, घर का टूर कराया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर जाके मेरे चैनल पे वाली वीडियो देखिएगा। और रात को इतने दिन हो गए थे, हम लोगों ने कुल्फ़ी कोई भी नहीं खाई थी, तो मैंने भाई से बोलकर कुल्फ़ी मंगवाई है। यहाँ की हैदराबाद की बहुत मशहूर है बुंदू कुल्फ़ी, तो ये बुंदू कुल्फ़ी बहुत ही मज़े की और बहुत ही यमी है। अब मैं आप लोगों को खा के बताऊँगी कि कैसी है कैसी नहीं है, और बहुत ही मज़े की है, सुभान अल्लाह, ठंडी ठंडी कुल्फ़ी। और रात का वक्त हो रहा है, 12 बज रहे हैं। और ये था मेरा दोस्तों आज का व्लॉग। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और हाँ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो अब दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।